सुखी राम के दास। बड़ी सुंदर बात। कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में किसी ना किसी प्रकार से हर कोई दुखी है। कोई तन से दुखी कौन? महीने में 1 लाख रुपए का इनकम हो रहा है भैया, 1 लाख रुपए हर मंथ आ रहा है, खूब पैसा आ रहा है घर में, बढ़िया सुंदर मटर पनीर की सब्जी बने, सुंदर पकवान बने, भोजन बने, लेकिन महाराज तो दाल चावल ही खाएंगे, वो भी थोड़ा सा। क्यों भैया? शुगर है, डॉक्टर ने मना किया है खाने के लिए। घी नहीं खा सकता, मटर पनीर नहीं खा सकता, तेल की चीज नहीं खा सकता, शुगर है, एसिडिटी हो जाती है। वो लाख रुपए कौन से काम का? बहुत कुछ दिया परमात्मा ने लेकिन तन नहीं दिया, बहुत परेशान है। कोई डॉक्टर मिल जाए जिससे इलाज हो जाए। मन से दुखी कौन? शरीर स्वस्थ है, पैसा भी है, धन भी है, लेकिन धन का भोग करने वाला कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्री नहीं है। ऐसे जहां भी जाएंगे दुखी मन से जाएंगे, भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया। पुत्र के लिए रोते रोते बिलखते बिलखते जीवन जीवित जाता है। धन से दुखी कौन? शरीर भी स्वस्थ है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन धन ही नहीं है, परिवार को चलाया कैसे जाए। बेटी का विवाह करना है, बेटे की स्कूल की फीस देनी है, घर का कार्य चलाना है, परिवार को चलाना है, धन ही नहीं है। प्यारे थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कहते हैं संसार में हर प्रकार से कोई ना कोई दुखी है, सुखी कौन? केवल भगवान के भक्त, केवल भगवान के दास, केवल भगवान के प्रेमी। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो इस संसार का सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, दैहिक दैविक भौतिक 3 प्रकार के तापों का नाश करता है, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परमानंद सच्चिदानंद वाल्मीकि कंद नंद के लाला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्म के दूसरे श्लोक में श्री वेदव्यास जी लिखते हैं, सुखदेव स्वामी की वंदना करते हैं, ओम यम प्रपजम तमनुपेतम वेदगीत्यम द्वैपायनो विरह कातरिया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवो विनीद तम सहेम भूत हृदयम मुनि मान तोष्मि मुनिमान श्री सुखदेव स्वामी की वंदना करते हैं। 12 वर्षों तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए, पुत्रेति तन्मयतया करवो विनीद दुष्वेद व्यासी पुत्र पुत्र कहते हुए चले जा रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म के उपासक माया मोह से सर्वथा अलग सर्वथा परे श्री वेद व्यास जी महाराज के पुत्र श्री सुखदेव स्वामी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए वन में जा रहे हैं। कुछ स्त्रियां निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, वेद व्यास से उन्होंने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उनके वाक्य को सुनकर के वेद व्यास जी लौट आए। ऐसे परमहंस परम अनुरागी निर्गुण ब्रह्म उपासक श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। तीसरे श्लोक में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं, नैमिषे सूत मासीनम विवात्मामृतम कथामृत रस स्वाद कुशला सोम को अब्रवीत। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है, जितनी भी कथा होती है नैमिषारण्य पर होते है। नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है, 88,000 संत महात्मा बैठे, ब्रगो वशिष्ठ दुर्वासा चगुन अंगरा, 88,000 संत महात्मा बैठ करके जब नेत्र बंद करके देखे तो पूरी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। विचार कर रहे कि कलयुग आ गया, लेकिन इस कलयुग के कलुषित प्राणियों का उद्धार किस प्रकार से होगा, विचार कर रहे हैं। सब आपस में परामर्श करते हैं, सलाह लेते हैं।